शोकेस दुनिया की मशहूर ट्रेन सीरीज इंडस्ट्रीज में से एक है। इसकी कामयाबी का एक राज ये है कि यहाँ की स्टार्स की सिलेक्शन इनकी अदाकारी देख के की जाती है। हर अदाकार अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अपना एक अलग मकाम रखता है और इसी मकाम को देखकर डायरेक्टर्स इनकी फीस का तयन करते हैं। आज की वीडियो में हम टॉप 10 पाकिस्तानी हाई रेटेड एक्टर्स के मुतालिक बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले कर दीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी लाजमी लाइक करें। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की जानिब। आयशा खान। आयशा खान पाकिस्तान की मशहूर ऑन स्क्रीन एक्ट्रेस हैं। उनका शुमार पाकिस्तान के नामवर अदाकारों में होता है। आयशा खान 27 सितंबर 1982 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उनकी उम्र 38 इयर्स है। आयशा खान ने अपना टीवी डेब्यू 2000 की दहाई में पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा तुम यही कहना में किया। इस ड्रामे के बाद आयशा खान ने कई ड्रामों मसलन खामोशियां, मेरी अधूरी मोहब्बत, मुझे अपना बना लो, मेहमान, मुलाकात और ये सोचाना था वगैरह में काम किया। 2009 में आयशा ने मासी और मलका, मनो सलवा, बोल मेरी मछली जैसे मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर बखेरे। 2010 के बाद आयशा ने वसन, पारसा, छोटी सी कहानी, तुम हो के चुप, कुछ प्यार का पागलपन, मुझे खुदा पे यकीन है, शब, बिन मायल, नूरे जिंदगी और खुदा मेरा भी है में काम किया। 2013 में ही आयशा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आयशा खान तकरीबन $1500 पर एपिसोड चार्ज करती थी। आमना शेख। आमना शेख एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा और साबका मॉडल हैं। आमना शेख का शुमार पाकिस्तान की मशहूर और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली एक्ट्रेसेस में होता है। आमना शेख 29 अगस्त 1981 को न्यूयॉर्क में पैदा हुई। इनकी उम्र 47 साल है। आमना ने अपने प्रोफेशन की शुरुआत डिजाइन की नुमाइश से की। इसी दौरान आमना ने फ्रेंच ग्लोबल ब्रांड लोरियल में एक नुमाइंदे की हैसियत से काम किया और बेहतरीन मॉडल की सूरत में लाइफस्टाइल अवार्ड भी हासिल किया। 2012 में आमना ने शो सिरी लिंक्स में अपने फिल्म का डेब्यू किया। फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी और इस फिल्म से आमना ने लाइफस्टाइल अवार्ड और बेस्ट फिल्म एक्ट्रेस न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल अवार्ड और 7 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी जीते। आमना शेख $1500 पर एपिसोड चार्ज करती हैं। सायरा शहरोज। सायरा यूसुफ खान को सायरा शहरोज भी कहा जाता है। सायरा 20 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। इनकी मौजूदा उम्र 32 साल है। सायरा शहरोज पाकिस्तानी मॉडल होने के साथ साथ पाकिस्तान की ऑन स्क्रीन बेस्ट अदाकारा भी हैं, जो कि पाकिस्तान सीरियल और टेली फिल्मों में काम करती हैं। सायरा शहरोज ने हम टीवी के ड्रामा मेरे नसीब में काम करने के बाद दुनिया भर में काफी मकबूल हुई और उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस के बलबूते पर लाइफस्टाइल अवार्ड का विनर भी चुना गया। मेरे नसीब सायरा का पहला ड्रामा था और पहले ही ड्रामे में सायरा ने सब व्यूअर्स को अपना फैन बना लिया। सायरा शहरोज ने 2015 में पाकिस्तानी मूवी लव यू बेबी लोशन में अपनी फिल्म का डेब्यू किया। उनकी अगली फिल्म थी तेरी मेरी लव स्टोरी। इस फिल्म में सायरा सलमान शाहिद, मोहिब मिर्जा, मोहसिन अब्बास हैदर के साथ काम करती नजर आई। सायरा शहरोज $3000 पर एपिसोड चार्ज करती हैं। शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तीन एक्ट्रेसेस और शो होस्ट में होता है। शाइस्ता नवंबर 26, 1977 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। शाइस्ता एक नहायत खूबसूरत और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली टीवी एक्ट्रेस में से एक हैं। शाइस्ता एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक MBBS डॉक्टर भी हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं। शाइस्ता ने अपने करियर का आगाज रेडियो से किया। उसके बाद शाइस्ता ने टीवी शो की मेजबानी शुरू की और अपना पहला शो हम और आप बराह रास्त किया। उसके बाद उन्होंने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की मेजबानी की। शाइस्ता ने अपना फिल्म डेब्यू फेमस सिंगर फखरे आलम के सॉन्ग में किया। शाइस्ता ने मजाहिया ड्रामा किस दिन मेरा ब्याह होगा में अपनी बेबाक मजाहिया सलाहितों का मुजाहरा किया। इस ड्रामे के बाद शाइस्ता ने कई और ड्रामों में भी काम किया। शाइस्ता ने 2006 में टैलेंट वुमेन अवार्ड जीता। 2009 में डालडा एक्सपर्ट मदर अवार्ड की विनर बनी। शाइस्ता लोधी 1 लाख पर डे मॉर्निंग शो 2,75,000 पर एपिसोड चार्ज करती हैं।
सजल अली। सजल अली 17 जनवरी 1994 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई। सजल की उम्र 26 साल है। 2009 में जियो टीवी के ड्रामे नादानिया की एक एपिसोड में सजल नजर आई। सजल की शोबिस में एंट्री एक मामूली किरदार से हुई। उन्होंने 2011 में ARY डिजिटल के एक फैमिली ड्रामा महमूदाबाद की मालकन के ब्रेकआउट रोल से काफी मकबूलियत हासिल की। उसके बाद सजल को शोबिस में काम मिलना शुरू हो गया और सजल ने खुद को बेहतरीन अदाकारा साबित कर दिखाया। सजल हर सीन के लिए 2.5 लाख रुपए ले रही हैं और इनका टोटल एसेट 30 मिलियन है। सजल अपने कैरियर में इन ड्रामों में काम कर चुकी हैं। सितमगर, महमूदाबाद की मालकन, मोहब्बत चाय भाड़ में, मेरी लाडली, कुदूसी साहब की बेवा, गुलेराना, नन्नी, सनाटा, चुप रहो, आंगन और अंग्रेजा, मोम और खुदा देख रहा है। माँ नूर बलोच। माँ नूर बलोच एक खूबसूरत पाकिस्तानी स्क्रीन अदाकारा, मूवी हिदायतकार और साबका मॉडल हैं। माँ नूर 15 फरवरी 1970 को यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुई। माँ नूर की उम्र 49 ईयर्स है। माँ नूर ने अपने करियर का आगाज PTV के ड्रामे मारवी से किया, जो कि सुल्तान सदीकी की सरबराही में बना था। माँ नूर का अगला ड्रामा दूसरा आसमान था। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा आसमान की कामयाबी के बाद माँ नूर ने PTV के कई ड्रामों में अदाकारी की। 2012 में माँ नूर को पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेस का ओहदा भी मिला। 2012 में ही माँ नूर को लाइफस्टाइल अवार्ड की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी का अवार्ड भी दिया गया। 2013 में माँ नूर ने हमजा अली अब्बासी के साथ मैं हूँ शाहिद अफरीदी मूवी में मरकजी किरदार अदा किया। माँ नूर बलोच $3,500 पर एपिसोड चार्ज करती हैं। महविश हयात। महविश हयात जनवरी 1983 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उनकी उम्र 47 साल है। महविश की वालदा 1980 की मकबूल तरीन अदाकारों में से एक अजीम अदाकारा थी। 2012 की ब्लॉकबस्टर रोमांस सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार ने महविश को लाइफस्टाइल अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा का दावेदार बना दिया। इस ड्रामे में महविश की परफॉर्मेंस बहुत उम्दा थी। इस सीरियल के बाद महविश ने पाकिस्तानी ड्रामों पर राज करना शुरू कर दिया। महविश हयात 6.6 लाख पर एपिसोड चार्ज करती हैं। सबा कमर। सबा कमर का मुकम्मल नाम सबा कमरुज़्ज़मान है। सबा 15 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में पैदा हुई। उनकी उम्र 36 साल है। एक प्री पार्टीशन ड्रामा दास्तान इनकी पहली कामयाबी साबित हुई, जिसमें उन्होंने लीड फीमेल का रोल प्ले किया। उनके इस किरदार को बहुत पसंद किया गया। ड्रामा सीरियल पानी जैसा प्यार और थकान से सबा को काफी शोहरत मिली। सबा कमर 8 बार लाइफस्टाइल अवार्ड जीत चुकी हैं। सबा कमर 7.6 लाख पर एपिसोड चार्ज करती हैं। सबा कमर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ तमगा इम्तियाज भी हासिल कर चुकी हैं। एनी जाफरी। एनी जाफरी का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन एक्ट्रेसेस में होता है। इनकी सब्ज आंखें उनकी खूबसूरती को और निखारती हैं। एनी जाफरी 1981 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उनकी उम्र 38 साल है। एनी ने अपनी जिंदगी कैनेडा में गुजारी और तालीम भी वहीं हासिल की। एनी ने अपने करियर का आगाज एडवर्टाइजिंग कंपनी से किया और पाकिस्तान आने के बाद एनी ने ड्रामों में काम शुरू कर दिया। 2012 में एनी ने शोबिस से वाबस्तगी इख्तियार की और छोटे से अरसे में एनी ने खुद को एक बहुत बड़े रुतबे पर फाइज किया। एनी जाफरी 7.3 लाख पर एपिसोड चार्ज करती हैं। मायरा खान। मायरा का मुकम्मल नाम मायरा हफीज खान है। मायरा खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मायरा खान शोबिस की एक अजीम हस्ती हैं। दौरे हाजिर में मायरा खान का शुमार पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली एक्ट्रेसेस में होता है। मायरा 21 दिसंबर 1984 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। उनकी उम्र 35 ईयर्स है। कराची में पैदा होने वाली इस अदाकारा ने 2006 में एज अ वीच अपने करियर का आगाज किया। उन्होंने 2011 में आतिफ असलम के साथ अपनी फिल्म का डेब्यू किया। मायरा खान को पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। मायरा खान 7.7 लाख पर एपिसोड चार्ज करती हैं। जी नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।